हज उड़ान शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन केंद्रीय हज कमेटी ने हज का किराया बढ़ाकर हज यात्रियों को परेशानी में डाल दिया है। हज यात्रियों को अपने क्षेत्र के एम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्रा करने के लिए कई गुना अधिक पैसे देने होंगे। हज यात्रियों के इन्हीं समस्याओं को देखते हुए विधायक आरिफ मसूद ने सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन और प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ पुलिस को FIR दर्ज करने की मांग की है। विधायक आरिफ मसूद ने सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन AP अब्दुल्ला कुट्टी एवं प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन रफत वारसी सहित अन्य लोगों के खिलाफ TI को शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में आरिफ मसूद ने कहा कि भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से जो यात्री हज करने जाएंगे उनको कितना भुगतान करना होगा उसकी सूची हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 6 मई को जारी की थी, जिसमें भोपाल के एम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्रा करने वाले हज यात्री को मुंबई से हज यात्रा करने वाले यात्री से लगभग 68,000 रुपये ज़्यादा का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भोपाल और इंदौर को एम्बार्केशन पॉइंट बनाया गया, तब किराए में इतनी बड़ी राशि के अंतर की जानकारी हज यात्रियों को नहीं दी गई थी। देखिए, तारीख बढ़ा दी वो तो हाजियों के लिए कोई वो नहीं है, वही तो बात है, ये सरासर चीट है। पैसे की डेट बढ़ाना कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। हम 2 किस्तें जमा कर चुके हैं, इन्हें ले जाना है, हम आखिरी दिन तक भी देंगे तो इनको लेना पड़ेगा। ये इनके बाप का वो नहीं है, तो चारागाह नहीं है हज कमेटी ऑफ इंडिया। हर हाल में लेना पड़ेगा, हाजी को ले जाना पड़ेगा, लेकिन जो धोखा करा उसका जवाब तो दे ना। स्टेट हज कमेटी देती है ना ऑल इंडिया हज कमेटी देती है, तो हाजी कहाँ जाए। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने डिफॉल्टर एयरलाइंस से साठगांठ की है और यात्रियों को हज यात्रा पर भेज रही है। ये तो सरासर हज यात्रियों से धोखा हुआ है। इससे तो अच्छा है कि यात्री भोपाल से न जाकर मुंबई से ही हज यात्रा के लिए चले जाएं। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मैंने हज यात्रियों की समस्याओं से जुड़ी सभी संबंधित विभागों को अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण मैंने मध्य प्रदेश हज कमेटी के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बावजूद आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। FIR का मतलब यह है कि एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन, मैं विद प्रूफ लाया हूँ, मैं एक लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हूँ और मैं लिखित में दे रहा हूँ। अगर कोई गलती होगी तो उसका दोषी मैं पाया जाऊँगा, 420 की जाए। लेकिन ये आशाएं लग रहा है, इनके अधिकारी बात करने से तैयार नहीं है, तो उनका मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि हम अभी इस पर जाँच कर लेंगे। तो ये मैं देखे जा रहा हूँ, मैंने अंततः रिसीव ली है और मैं चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। भोपाल मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के 14 इमिग्रेशन पॉइंट के जहाँ जहाँ ये हादसे हुए सबको FIR कराना चाहिए, ताकि भविष्य में दोबारा हाजियों के साथ धोखा न हो सके। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।